संसद में करीब 2.5 घंटे फरियादियों के बीच रहे सीएम योगी, 1000 लोगों की सुनी समस्याएं, फरियादियों को दिया त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का भरोसा, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा जन कल्याण के कार्यों में ना हो कोताही। लखीमपुर के गोला गोकरण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत पर सांसद रवि किशन ने कहा यह विकास की है जीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का हो रहा है विकास। यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 279 मुख्य आरक्षियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक, कहा सभी जवान स्वयं व अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए करें जागरूक। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण को किया बरामद, भेजा जेल। महादेव का गोरखपुर भोजपुरी के सबसे बड़े फिल्म की शूटिंग जनपद में हुई शुरू, 5 भाषाओं में डब होकर फिल्म होगी रिलीज, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, सदर सांसद रवि किशन ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मगहर कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी पदयात्रा, कहा पदयात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर फैल रही है नफरत की भावना को किया जाएगा खत्म। और विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर प्रांत द्वारा हित चिंतक सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ, प्रांत प्रचारक दुर्गे त्रिपाठी ने कहा महानगर के 20 प्रखंडों में 50,001 चिंतक बनाने का है लक्ष्य।